हर शख्स की जिंदगी में सबसे खास सदस्य होते हैं उसके पेरेंट्स। हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माता पिता के साथ की जरूरत जिंदगी के हर मोड़ में रहती है। कोरोना काल वैसे ही मुश्किल भरा दौर है। ऐसे मुश्किल वक्त में कई बॉलीवुड सेलिब्स के लिए ये परेशानियां तब और बढ़ गईं जब उनके सिर से उनके माता पिता का साथ छूट गया। चलिए आपको बताते हैं कोरोना काल में किस किस सितारे पर टूटा है दुखों का पहाड़। मुंह मुंह के धागे और बुलिया जैसे गाने गाकर बॉलीवुड में छाए सिंगर पैपून की मां अर्चना महंता का निधन हाल ही में 27 अगस्त को गुवाहाटी में हुआ। अर्चना महंता जानी मानी असमिया सिंगर थी। वह पिछले 1.5 महीने से ब्रेन स्ट्रोक की वजह से अस्पताल में भर्ती थी। हालांकि उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मिथुन चक्रवर्ती के पिता बसंत चक्रवर्ती का निधन 95 वर्ष की उम्र में 21 अप्रैल को मुंबई में हुआ था। उन दिनों मिथुन लॉकडाउन की वजह से बेंगलोर में फंसे हुए थे। पिता के निधन की खबर सुनकर मिथुन फौरन मुंबई लौटने की तैयारी में जुट गए थे। जावेद जाफरी। जावेद जाफरी के पिता जगदीप फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार रहे हैं। जगदीप का निधन 8 जुलाई की रात को हुआ था। वह लंबे वक्त से बीमार थे। जगदीप के निधन की खबर सुनकर पूरा देश शोक में डूब गया था। सना सईद। कुछ कुछ होता है हर दिल जो प्यार करेगा और स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी सना सईद ने अप्रैल माह में अपने पिता को खो दिया था। दुख की बात ये रही थी कि उन दिनों सना लॉकडाउन की वजह से लॉस एंजलिस में फंसी हुई थी और वह अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई थी। सना सईद के पिता अब्दुल अहमद सईद जाने माने उर्दू कवि थे। वह लंबे वक्त से बीमार थे। उनके पिता शुगर पेशेंट थे और इस वजह से उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। मुरली शर्मा। एक्टर मुरली शर्मा कई बॉलीवुड फिल्मों में और सीरियल्स में काम कर चुके हैं। जून के महीने में मुरली की मां पद्मा शर्मा का निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो गया था। 7 जून को मुरली की मां ने अपने मुंबई स्थित घर में आखिरी सांस ली थी। पराग त्यागी। एक्टर पराग त्यागी इन दिनों सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में नजर आ रहे हैं। कोरोना काल पराग त्यागी के लिए भी मुश्किलों भरा रहा है। 25 मई को पराग के पिता का उनके होम टाउन गाजियाबाद में निधन हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह डायलिसिस के लिए गए थे और तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। पिता के निधन की खबर सुनने के बाद पराग और शेफाली फौरन गाजियाबाद पहुंचे थे। अर्जुन कानूनगो। गायकी की दुनिया में अर्जुन कानूनगो जाना पहचाना नाम है। 30 अप्रैल को अर्जुन के पिता का निधन हो गया था। अर्जुन के पिताजी को लीवर कैंसर हुआ था और वह चौथे स्टेज पर थे। सुधीर मिश्रा। फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा के पिता डॉक्टर देवेंद्र नाथ मिश्रा का 2 अप्रैल की सुबह निधन हो गया था। अपने पिता के निधन की जानकारी सुधीर मिश्रा ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर करके दी थी। मीत ब्रदर्स। बॉलीवुड में मीत ब्रदर्स के नाम से फेमस सिंगर जोड़ी मनमीत और हरमीत ने फरवरी के महीने में अपने पिता गुलजार सिंह चंदोक को खो दिया था। उनके पिता का निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ था। दुखद बात ये रही थी कि दोनों भाइयों ने 2019 में अपने माता पिता की शादी की 45वीं वर्षगांठ पर दोनों का पुनर्विवाह करवाया था। अली फजल। बॉलीवुड एक्टर अली फजल को बड़ा सदमा उस वक्त मिला था जब 17 जून की सुबह उनकी मां का निधन अचानक तबीयत खराब होने की वजह से हो गया था। अली की अम्मी ने लखनऊ स्थित अपने निवास में आखिरी सांसें ली थी। अनीता हसनंदानी। अनीता हसनंदानी के सिर से बचपन में ही उनके पिता का साया उठ गया था, लेकिन इस साल उन्होंने अपने पिता समान ससुर को भी खो दिया। अनीता के पति रोहित रेड्डी के पिता का निधन 13 जून को हुआ था। अपने ससुर के निधन पर अनीता ने एक इमोशनल नोट लिखकर अपना दुख भी शेयर किया था। प्रीतम। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम के सिर से इस साल 26 मई को उनके पिता का साया उठ गया था। प्रीतम के पिता के निधन की खबर सिंगर कैलाश खेर ने ट्वीट करके शेयर की थी। वह पार्किंसन और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से पीड़ित थे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।